नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नवीन विषय को लेकर। और दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ये बहुत ही ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं यदि आप कोई पूजा पाठ साधना करना चाहते हैं। और ख़ासकर दोस्तों, यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते, एकदम एंड पहुंचते हुए बिगड़ जाते, शादी ब्याह से संबंधित मामले बार बार आपका रिश्ता होते होते रह जाता है या बात बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आप जीवन में किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो रहे हैं जिसका इलाज आपको डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों, यदि आप इन नवरात्रियों में एक छोटा सा आजमाया हुआ अचूक सिद्ध उपाय जो कि मेरे गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के द्वारा बताया गया है, आजमाया गया है, अगर आप करके देखते हैं तो निसंदेह आश्वस्त तो क्या आपको लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों ये अचूक उपाय उनके द्वारा आजमाया भी गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले गुप्त नवरात्रियों के प्रत्येक दिन आपको सबसे पहले मैं कुछ समय बताती हूँ, ये पर्टिकुलर समय का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सुबह का समय, अगर आप सुबह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह भोर में 5 से 6 बजे, सुबह भोर में 5 से 6 बजे। यदि आप दोपहर में आपके पास वक्त है तो 11:30 से 12:30 बजे के बीच, और यदि आप शाम में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच, और यदि आप रात्रि में करना चाहते हैं तो रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना है, सिर्फ एक कच्चा नारियल लेके आना है, हर दिन एक कच्चा नारियल लेना है, उसको अपनी बॉडी से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, मतलब अपने या जिस किसी भी आपके परिवार के सदस्य की कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बॉडी से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा, मतलब 1, 2, 3 इस तरफ नहीं चलना है, 12, 11, 10 इस तरफ जैसे चलती हैं घड़ियाँ, उल्टी दिशा में अपनी बॉडी से अपने सिर से लेकर पैरों तक 7 बार इसे उल्टा उतार कर आप इस नारियल को तोड़, पहले आपको इसे तोड़ लेना है और तोड़कर इसके बीच में आपको बूरा चीनी शक्कर भर देना है, और फिर इसको आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बरगद के पेड़ के नीचे, अगर कोई ऐसा पेड़ ना मिले तो आप नहर की ज़मीन के आसपास किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पे चींटियाँ हों वहाँ पे जाकर ज़मीन में इसे दबा दें। दोस्तों, इतना अचूक उपाय है कि आपको तुरंत ही आराम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो चींटियाँ होती हैं ना, ये प्रकृति की सबसे ज़्यादा मेहनत का कश आप कह सकते हैं जीव होती है, और दोस्तों जब हम इन्हें कुछ खाने को देते हैं या हम इनके लिए एक तरह से ये इनका एक भंडारा ही होता है, और यदि हम इनके लिए कुछ करते हैं तो दोस्तों इनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो आपको आशीर्वाद के रूप में मिलती है। तो दोस्तों, आपके बिगड़ते हुए काम भी ना, जो बहुत छोटे छोटे काम जो जल्दी से बिगड़ जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं ना, वो भी होने लगेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये इसके द्वारा यदि राहु केतु की दशा से भी आप परेशान हैं या शनि की दशा से भी परेशान हैं तो भी इन उपायों को इन गुप्त नवरात्रियों में करके आप अचूक व अद्भुत लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, अध्यात्म तो हमारे ही नहीं, समस्त जितने भी धर्म हैं दुनिया में सब अध्यात्म से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इसका सबसे मेन रीज़न कोई भ्रांति फैलाना नहीं या किस कोई निगेटिविटी फैलाना नहीं, इसका सबसे मेन रीज़न है आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाना। क्योंकि जब हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से हम पॉजिटिविटी को लाते हैं, वहाँ पे भगवान या ईश्वर आके हमें कुछ गिफ्ट हमारे हाथ में नहीं देके जाते हैं। हम जब आते हैं वहाँ से प्रसन्न चित्त क्यों आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। जब हम अपने दुख उसको बता के आते हैं तो निसंदेह रूप से हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारे साथ कोई एक सहारा है जो हर पल हमारे लिए हमारा सहायता करने के लिए हमारे साथ तैयार है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।